स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। संविधान पर मंडराते खतरों ने उन्हें पुकारा है, जब पीडीए के लोगों ने ये मिलकर ललकारा है कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितम करो तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। संविधान सम्मत आरक्षण के ये पंख कतरते हैं, जाति आधारित जनगणना से आंख चुराए फिरते हैं। जुल्म जब पड़ता है तो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जिंदा होने का निशानी है। बीजेपी सरकार देश को धोखा देती आई है, सामाजिकता में भी नफरत फैलाई है। 4 जून को फैसला जब आए तो ये याद रखेगा कि इस मुल्क की साझा शहादत से बना साझा विरासत जीतेगी, मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। दुखों का कौन निवारक, हमने चारों ओर निहारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। ऐसी स्थिति में केवल अखिलेश ही सहारा है। हैदराबाद के इस सरजमी पर आए हुए आप तमाम बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, हम इस सियासी जलसे में बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुनाव के बीच आप सबके सामने एक इम्तिहान की घड़ी में खड़े। इम्तिहान इस बात का है कि आने वाले चंद रोज बाद इस मुल्क की तकदीर का फैसला होना है, और फैसला इस बात का होना है कि ये मुल्क अपने आईन से चलेगा, इस मुल्क में मोहब्बत जीतेगी, इस मुल्क में अमन और खुशहाली होगी, या अब ये मुल्क एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चल जाएगा जिसे वापस बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। खैराबाद और मऊ के लोगों, इस इम्तिहान की घड़ी में हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए आपके समर्थन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं और वही यकीन शायद आपके दिल में भी होगा कि जब इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी उसे संविधान के नाम पर जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए हम आपके बीच में खड़े हैं। और एक तरफ झूठ और लूट का कारोबार चल रहा है तो दूसरी तरफ नौजवानों की खुशहाली का, किसानों की खुशहाली का, आम नागरिकों की खुशहाली का एक खाब देखा जा रहा है। हम आपके बीच में इस चुनावी जलसे में बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इस जलसे के जो सबसे अहम वक्ता हैं, हम सब के समाजवादी, हम खाब समाजवाद के परचम को आपके बीच में लेकर आए हुए, और मेरे अपने जिले आजमगढ़ से इंडिया गठबंधन के शानदार प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को सुनेंगे, इसलिए हम सब आपके बीच में केवल अपील करने आए हैं। वक्त बहुत ज्यादा है, चंद रोज बाद जब आप वोट डालने जाइएगा तो याद करिएगा कि इस पूरे इलाके में जो खुशहाली लाया हो, चाहे वो किसानों की खुशहाली हो, चाहे वो बुनकर समाज की खुशहाली हो, वो लाने का काम जब समाजवादियों और संविधानवादियों की सरकार बनी तब वो खुशहाली आई थी। बताइए सही बात है या नहीं, सही बात है कि नहीं? जब बिजली का रेट बढ़ाया गया तो रफीकुल मुल्क कादरी नेताजी ने क्या उस रेट को स्थिर करके क्या हम सबके खुशहाली का रास्ता खोला था या नहीं खोला था? और पिछले चंद सालों में
इस भाजपा की सरकार ने किसानों को बदहाल किया, नौजवानों को अग्निवीर और पेपर लीक दिया, और बताइए बिजली सड़क पानी सबको महंगा कर दिया है, और कहा था देश नहीं बिकने देंगे, देश बेच दिया कि नहीं। इसलिए हम बहुत वकी आप सबसे इस वक्त की फैसले की घड़ी में कहने आए हैं, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इसलिए हम आपके बीच में केवल कहना चाहते हैं, जुल्म जब बढ़ता है तो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जिंदा होने का निशानी है, और हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग आप सबसे अपील करने आए हैं कि जब 1 जून को आप वोट डालने जाइएगा तो इस बात के लिए वोट डालिएगा कि जो मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर बंटवारा चाहते हैं उनको सत्ता से हटाया जाए, और जो सबको बराबर बनाना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बनाना चाहते हैं, उनको वोट डालने। और कहना केवल इतना है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। समाजवादियों का मिजाज बगावत कर रहा है, उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी बात के साथ हम जैसे लोग आपसे अपील और गुजारिश कर रहे हैं, 1 जून को साइकिल पर मुहर लगा करके इस पूरे इलाके के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नर राजीव राय जी को जब आप वोट देंगे तो वो आदरणीय कल्पनाथ राय जी के सपनों का जो अधूरा मऊ है उसे पूरा करेंगे, और दिल्ली की कुर्सी पर जब घोसी जीतेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे कि दिल्ली की कुर्सी से संविधान बदलने वाले बदलेंगे और संविधान जीतेगा। इसी के लिए आपसे वोट के अपील आने आए हैं। वोट ऐसा दीजिएगा, अगर एक गलत वैक्सीन लग गई तो जान को खतरा है, और एक गलत वोट पड़ जाए तो संविधान को खतरा है। इसलिए आखिर में केवल यह गुजारिश कि लौट आएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितम करो तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। इस संविधान के नाम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए, राजीव राय जी को वोट देने के लिए हम लोग आपसे अपील करके जा रहे हैं। 4 जून को फैसला जब आए तो ये याद रखेगा कि इस मुल्क की साझा शहादत से बना साझा विरासत जीतेगी, मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।